हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडोगोजी में राइटिंग स्किल के अंदर टीचिंग ऑफ स्पेलिंग यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग यानी स्पेलिंग्स कितने मेथड से पढ़ाई जाती है कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और कौन से मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो बहुत छोटी सी वीडियो है बड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है तो फ्रेंड्स फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू टीच स्पेलिंग्स ठीक है तो सबसे पहला मेथड जो है वो है ड्रिल मेथड जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं ठीक है और ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास ठीक है तो इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज प्रिपेयर्ड यानी एक लिस्ट होती है वर्ड्स की वो तैयार की जाती है और बच्चों को सीखने वालों को इसे रटाया जाता है क्रैम करना रटाया जाता है ठीक है क्रैम दी वर्ड्स ठीक है आज टू क्रैम दी वर्ड्स उसके बाद है क्रैमिंग इज एडवांटेज वेन देयर इज इरेगुलरिटी इन स्पेलिंग्स एंड प्रोनंसिएशन ठीक है क्रैमिंग इज एडवांटेज यानी क्रैमिंग करना एडवांटेजेस है बहुत फ़ायदेमंद है वेन देर इज़ इरेगुलरिटी यानी अगर इरेगुलर वर्ड्स हैं तो उनको हम रटेंगे ही ठीक है अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से हम रट लेंगे इरेगुलरिटी इन स्पेलिंग्स एंड प्रोनंसिएशन ठीक है तो वो रटना जरूरी है क्रैमिंग यहाँ पर काम करती है दिस दिस मेथड इज़ डल एंड मैकेनिकल अब ये जो है अगर मेथड ये रटने वाला हुआ तो ये डल होगा बोरियत भरा होता है रटना ठीक है और ये काफ़ी मैकेनिकल है मतलब इसमें सिर्फ आपको करना होता है एंजॉय आप इसको नहीं कर पाओगे तो इस तरीके से हम समझते हैं ठीक है तो ड्रिल मेथड की अपनी ये खासियत है अब फ्रेंड्स हम देखेंगे न्यू ड्रिल मेथड क्या है ठीक है तो ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है ड्रिल मेथड से इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज प्रिपेयर डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द लर्नर्स एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट यानी अब इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके ड्रिल मेथड में ये कर दिया गया है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन उन्हीं वर्ड्स की लिस्ट होगी हमें उन्हीं वर्ड्स को क्रैम करना होगा जिनकी आवश्यकता है, नीड है ठीक है लर्नर को क्या करने के लिए कि जिस वो टेक्स्ट को पढ़ रहा है ठीक है उसमें उसको हेल्प मिल जाएगी तो आवश्यकता के हिसाब से हम वोकेबलरी uh, उनको याद कराते हैं यानी वर्ड्स याद कराते हैं उनकी स्पेलिंग याद करा देते हैं ठीक है देन द लर्नर्स आर आज टू क्रेम वर्ड्स ठीक है तो ये जरूरत के हिसाब से दिस मैथड दिस मेथड इज आल्सो डल एंड मैकेनिकल तो ये भी मैथड डल और मैकेनिकल है बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है अब बात करते हैं नेक्स्ट मैथड की तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड है इंसिडेंटल मेथड ठीक है इंसिडेंटल मेथड क्या होता है ठीक है इन दिस मेथड ओनली दो स्पेलिंग्स आर टोट ठीक है विच कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक यानी इसमें बच्चे को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स ना देके ठीक है उन्हीं स्पेलिंग्स को uh, याद कराया जाता है रटाया जाता है सिखाया जाता है ठीक है विच कम अक्रॉस वाइल रीडिंग यानी वो जब टेक्सट बुक कोई पढ़ रहा है है, उस टेक्स्ट बुक में किसी पर्टिकुलर चैप्टर को जब वो पढ़ेगा तो उसमें जो वर्ड्स आएंगे उन्हीं स्पेलिंग्स को उसको याद कराया जाता है तो ये इंसिडेंटल मेथड है इट को रिलेट्स स्पेलिंग्स विद रीडिंग एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इस मेथड की खास बात यह है कि इट कोरिलेट्स स्पेलिंग स्पेलिंग्स को ठीक है और उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी और उसके मीनिंग को ये कोरिलेट करता है आपस में ठीक है तो ये इस इंपॉर्टेंट बात है ठीक है उनको जोड़ता है एक तरीके से कनेक्ट करता है कि बच्चे स्पेलिंग भी आ, सीख रहे हैं और साथ साथ उस स्पेलिंग सीखने के दौरान और आ, उसको मीनिंग की भी समझ आ रही है उस पर्टिकुलर वर्ड की तो ये इंसिडेंटल मेथड हुआ ठीक है नेक्स्ट अब फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड है प्ले वे मेथड ठीक है जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्ले वे यानी खेल खेल में सीखना दिस मेथड इज एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेस्टिंग ये गतिविधि आधारित है और काफी रुचिकर होता है इट इज़ सुटेबल एट द जूनियर लेवल ठीक है जूनियर लेवल की क्लासेज में ये हेल्पफुल है हायर क्लासेज में हेल्पफुल नहीं है हैं लर्नर आर आज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स इसमें बच्चों को नए वर्ड्स बनाने के लिए कहा जाता है जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड किसी वर्ड के लेटर्स को ठीक है इधर उधर करके जैसे नेट है नेट का टेन टी का ईट है रोज का सोर इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट और क्या हो सकता है जैसे कोई वर्ड है उसके लास्ट लेटर uh, से ठीक है जैसे एप्पल के ई e से एलिफेंट इस तरीके से फ्रॉम वन वर्ड ठीक है जैसे काइंड है तो काइंड kind से काइंडली काइंडनेस अनकाइंड तो इस तरीके से स्पेलिंग सिखाई जाती है इस मेथड में इसे प्ले वे मेथड कहते हैं तो जूनियर लेवल तक ये ठीक है प्राइमरी और जूनियर लेवल तक ये अच्छा रहता है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन मेथड ठीक है तो ट्रांसक्रिप्शन मेथड क्या है ट्रांसक्रिप्शन मेथड में इन दिस मेथड लर्नर्स आर आज टू कॉपी स्पेलिंग्स फ्रॉम बोर्ड्स फ्लैश कार्ड्स एंड बुक्स अब इस मेथड में क्या होता है जैसे ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रतिलिपि करना ठीक है या लिखे, लिख लिखना उसको ठीक है तो इस मेथड में इन दिस मेथड लर्नर्स आर आज टू कॉपी स्पेलिंग्स तो बच्चे जो है वो स्पेलिंग कॉपी करेंगे बोर्ड से हो सकती है फ्लैश कार्ड से या किताबों से ठीक है और उनको याद रखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ठीक है लिखने से स्पेलिंग याद रहती है इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ए पिक्चर ऑफ़ अ वर्ड इससे दिमाग में बच्चों के एक पिक्चर बनती है वर्ड की जब वो उतारते हैं उतारते है वक्त इससे कहते हैं ना कि लिखकर याद रहता है तो ठीक है? जब वो लिख रहे होते हैं दिमाग में एक इमेज बनती है एंड मेक्स इट स्टेबल और ये स्टेबल हो जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन मैथड का मतलब लिख कर याद करना ठीक है नेक्स्ट मैथड देखते हैं तो फ्रेंड नेक्स्ट मैथड हमारा डिक्टेसन मैथड ये क्या होता है देखते हैं इट हेल्प्स इन सॉल्विंग स्पेलिंग एरर्स और मिस्टेक यानी इस मेथड से डिक्टेशन करना होता है ना जैसे इमला लिखना कहते हैं ठीक है जैसे ठीक है? है कि टीचर जो है इंग्लिश के वर्ड्स बोलेगा और बच्चे उसकी स्पेलिंग लिखेंगे इससे बच्चों की जो गलतियों में बहुत अच्छे से सुधार किया जा सकता है तो अगर स्पेलिंग एरर कर रहा है बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो डिक्टेशन के माध्यम से कर सखाना बच्चों को स्पेलिंग बेस्ट होता है डिक्टेशन मेथड ठीक है याद रखिए क्वेश्चन आएगा इससे इट हेल्प्स इन फिक्सिंग स्पेलिंग्स परमानेंटली इन द माइंड्स ऑफ लर्नर्स सीखने वाले के दिमाग में एकदम सही हो जाती है ठीक है स्पेलिंग uh, किसी वर्ड की जब वो लिखता है ठीक है डिक्टेशन uh, लिखता है इट इज एन एक्टिव स्किल ये एक्टिव स्किल है एंड हेल्प्स इन राइटिंग करेक्टली ठीक है तो ये एक्टिव स्किल है जिसमें बच्चा जो है गतिशील रहता है और स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने में मदद इट इज इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप टू नोट टेकिंग ठीक है जैसे बच्चा इमला लिखता है ठीक है यानी डिक्टेशन लिखता है कि एक वर्ड बोला गया और उसने वो लिखा तो एक तरह से नोट मेकिंग है ना टीचर बोलता चले जाएगा और बच्चे लिखते चले जाएंगे तो ये उसकी शुरुआत होती है नोट मेकिंग की शुरुआत है डिक्टेशन अब फ्रेंड नेक्स्ट मेथड है डिक्शनरी मेथड और ये लास्ट मेथड है इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे लर्नर्स आर आस्क टू कंसल्ट डिक्शनरी डिक्शनरी के माध्यम से बच्चे जो है स्पेलिंग चेक करते हैं ठीक है इट इज़ नॉट इट्स इट इट नॉट ओनली हेल्प्स इन लर्निंग स्पेलिंग्स सिर्फ ये स्पेलिंग सीखने में ना मदद करके और कुछ ज़्यादा करता है जैसे मीनिंग बताता है डिक्शनरी मीनिंग होता है और उससे जुड़े तरीके जैसे एंटोनियम सिनोनीम्स होते हैं उसके विलोम शब्द दिया बर्यावाची या फिर उसका जो प्रोनंसिएशन है वो भी सिखाता है तो डिक्शनरी मेथड में ये हमारे काफ़ी काम की चीज़ है अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आए हैं तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है वेर ए चाइल्ड कमिट्स फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स द टीचर शुड बेटर ठीक है तो बिहार टेट में आया था दो तो हज़ार ग्यारह में कि अगर बच्चा को बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए यूज डिक्टेशन एज अ टीचिंग एड्स तो यही ऑप्शन सबसे सही है डिक्टेशन के माध्यम से बच्चे अपनी सही स्पेलिंग्स लिखना सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी ईजिली सॉल्व थ्रू ठीक है फेबररी 2015 में ए सी टेट में आया था कि वही स्पेलिंग मिस्टेक किस तरीके से तो डिक्शनरी जो है सॉरी डिक्टेशन जो है बेस्ट इसका मेथड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आया था 2016 में सी में टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम दी प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स द टीचर विल यूज एज द टीचिंग स्ट्रेटेजी ठीक है तो टीचर अगर चाहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक कम हो तो क्या करेगा वो डिक्टेशन ठीक है सेप्टेंबर दो में पूछा गया था तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते हैं इंग्लिश पैडाकोजी की बात करें तो हम तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद कमेंट करके बताइए लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद